हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और गरम गरम गाजर का हलवा, जलेबी, आलू चॉप, मटर, आलू गोभी, अंडा की सब्जी, फ्राई अंडे एंड डिनर थाली, गाजर का हलवा, सारी रेसिपी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, मेरा जो वीडियो है, ब्लॉग है, मैं उसको इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो वहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था, और हस्बैंड जी यहाँ पे जलेबी और आलू चॉप लेके आ गए, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, मज़ा आ जाता है। तो किस किस को जलेबी अच्छा लगता है ना, मुझे बताइएगा कमेंट में। और बस हम लोग अभी यही स्नैक खाने वाले हैं चाय के साथ। और जलेबी का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है चाय के साथ, बट आलू चॉप का है, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और देखिए, खूबसूरत सा गार्डन, बहुत ही प्यारा फूल है, गुलाब का फूल है। और एक बार ना मैं उसको देखने ज़रूर जाती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। किसी कर रहे हैं आप? किसी कर रहे हो? हेलो यू, चिकू। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे मटर और आलू गोभी मैंने काट कट कर दिया है। कुछ प्रिपरेशन मैंने कर लिया है और कुछ प्रिपरेशन मैं करूँगी। यहाँ पे अदरक लहसुन और लाल मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। अंडा मैंने छील लिया था, मटर भी छील लिया था, प्याज मिर्ची सब कट कर लिया था, और गोभी आलू तो मैंने पहले से ही कट कर लिया था। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। विंटर में बहुत अच्छा मटर आता है, गोभी आता है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो एग खाते हैं, वो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो बिना एग डाले भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और अंडे को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अंडा जब भी आप फ्राई करें ना, तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहना चाहिए, उससे अंडा काफ़ी अच्छा फ्राई होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो अगर जो बिना अंडे का बना रहे हैं, वो ये सारे जो मेथड है उसको स्किप कर दीजिए। डायरेक्ट ऑयल में जीरा और तेज़पत्ता ऐड कीजिए, और प्याज, और जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और लाल मिर्च का, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। प्याज जब हमारा थोड़ा फ्राई हो गया, और बस थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, और अच्छे से मसाला को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। फिर वही बेसिक से मसाले हम ऐड करेंगे, नमक, हल्दी, जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाला हम अच्छे से फिर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा वाटर ऐड करके। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बेसिक मसाले में ही बनाती हूँ, और यहाँ थोड़ा सा हस्बैंड जी मेरा हेल्प कर दे रहे थे, और थोड़ा सा वाटर दे के मैंने, देखिए सब्ज़ी को कितना अच्छा फ्राई किया है, और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, और देखिए कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कोई भी काश्मीरी रेड चिली या कलर का यूज़ नहीं किया है फिर भी। और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कटी हुई आलू और गोभी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट डेली बेसिस में इतना ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो मैं नहीं, मतलब ऐसे ही बनाती हूँ बिना फ्राई किए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
भी एक बार ट्राई कीजिएगा। ऑयल जितना हो सके कम ही यूज़ करना चाहिए कुकिंग में। और देखिए गोभी आलू फ्राई हो गया, तो मैंने इसमें मटर ऐड कर दिया। और देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो सब्जी है फ्राई हो गया है, और गोभी और आलू अच्छे से कुक भी हो चुका है। अब इस स्टेज में हम वाटर ऐड करेंगे, तो सफिशियंट आपको जितना वाटर चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला, और सब्जी में एक दो बॉयल आ जाएगा, तो ये जो फ्राई करके हम लोगों ने एग रखा है ना, उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे सब्जी में अच्छा बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसमें अपने अंडे ऐड कर देती हूँ। आप बिना अंडा का बना रहे हैं तो बस इस सब्जी को ऐसे ही धनिया पत्ता डाल करके एंड कर दीजिए, और एग डाल के बना रहे हैं तो एग डाल दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सर्दियों में, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए, एंड जो वेजिटेरियन है वो भी बनाएंगे उसके लिए भी टेस्टी है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा धनिया पत्ता ऐड किया है, और आपको आपकी ग्रेवी जैसी रखनी है आप वैसे रख सकते हैं। और उसके बाद पापड़ वगैरह मैंने तल दिया था, दाल वगैरह में छौंक भी लगा दिया था। और यहाँ मेरा हस्बैंड का खाना है, हम लोग अभी इंजॉय करेंगे। उसके बाद इवनिंग में मैंने बनाया था गाजर का हलवा, तो हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। ये देसी घी मैंने घर पे ही बनाया है, तो काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। और गाजर मैंने ग्रेट कर लिया था, तो वो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो विद इन 15 मिनट्स आपका 15 मिनट्स में आपका गाजर का हलवा बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से फ्राई कर लिया, वो गल गया था, इसका पानी पूरा सेपरेट हो गया था, तब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। और देखिए कलर कितना प्यारा हो गया ना जब मैंने शुगर ऐड किया इसमें तो। और यहाँ पे थोड़ा सा काजू और 2 इलायची कूट करके मैंने ऐड कर दिया इलायची को, और बस इसको हम 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और बहुत जल्दी हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन करके रेडी हो जाता है। बस आप इसमें गरम गरम दूध ऐड करें, और आपके पास मलाई है तो आप थोड़ा सा मलाई ऐड कर दीजिए। एक ड्राई वाला जो बनता है गाजर का हलवा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें खोआ वगैरह पड़ता है। बट ये वाला जो यहाँ पे सब्जी दूध वगैरह मैं गरम करती हूँ, और ये वाला जो गाजर का हलवा है ना, आप इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, खीर की तरह लगता है। और यहाँ पे मैंने गैस वैस अच्छे से क्लीन करूँगी, काफ़ी गंदा हो रखा है इस टाइम पे। और देखिए मेरा गाजर का हलवा बन गया है, ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही इजी है बनाने में, और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये वाला गाजर का हलवा मेरा मोस्ट फेवरेट है। और देखिए यहाँ पे किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है, और यहाँ पे मैंने इसमें निकाल दिया था हलवा, सब्जी भी मैंने खाली कर दी थी, और यहाँ पे हस्बैंड जो जलेबी लेके आए थे वो भी थोड़ा बच गया था, यहाँ पे दूध सिंक भी मेरा पूरा क्लीन है, और सारा काम मेरा हो गया है। बस अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। और देखिए यहाँ पे चीकू के पास मैं आ गई थी, चीकू को मैंने ऑयल वगैरह लगा दिया है, और वो भी कपड़ा वगैरह उसका चेंज करा दिया है। इवनिंग में मैं उसका कपड़ा चेंज कर देती हूँ एक बार। हेलो गाइस, और अभी नाइट का खाना वाना का जो भी प्रिपरेशन था मैंने कर लिया, आप लोगों को दिखाया। किचन वगैरह काफ़ी गंदा हो रखा था, तो सब कुछ क्लीन किया, और डिनर भी मेरा जो है ऑलमोस्ट बन गया है। बस पूरियाँ बनानी है, और आज गाजर का हलवा बनाया था तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया, बहुत ही टेस्टी बना है, और आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं।
अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर गरम गरम पूरियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अभी 8 बज रहा है और आज काफ़ी दिन जो था बिजी था, तो बहुत टाइम हो गया, मैंने थोड़ा भी रेस्ट वगैरह नहीं किया है। और मॉर्निंग में जो मैं सोई थी कि उठी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, तो अभी सोच रही हूँ 1 घंटा रेस्ट करूँ और वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर करते हैं। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो देखते हो बट नहीं करते। और इस टाइम पे बाल देखिए मेरा काफ़ी ड्राई हो गया है, तो हेयर मास्क भी मुझे लगाना है। चलिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नए वाले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और बस मैंने यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ तली है और हम लोग अभी डिनर कर लेंगे। पहले हस्बैंड को मैं खिला देती हूँ गरम गरम तल के, फिर मैं भी खाना खा के जल्दी से सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बच्चे को लेके इतना सारा काम हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत थक जाती हूँ। और देखिए पता नहीं मेरे आज तो पूरियाँ भी नहीं फूल रही है, पता नहीं कैसे। और बस यही तक का था मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वाले ब्लॉग में आप लोगों से, और यही था मेरा डिनर थाली, काफ़ी यम्मी एंड टेस्टी था, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा खाने के लिए और मुझे भी अच्छा लगा, बट मेरी तबीयत रात तक थोड़ी ख़राब हो गई थी। बच्चे को लेके सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या करूँगी, देखते हैं अभी। चीकू चीकू, ऐ देखो कौन है यहाँ पे, चीकू टाटा कर दो, हाय कर दो, ऐ बच्चा आप खेलने में बिजी है, मम्मा का बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं मम्मा का बात। हेलो हेलो, किसका गाड़ी है बेटा, कौन दिया है तुमको गाड़ी, दादी दादी दी है, चीकू की दादी दी है।